अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कच्चे गोश्त की बिरयानी। नाम तो कच्चा गोश्त ही है, लेकिन मैं कच्चा चिकन डाल रही हूँ, कच्चे चिकन की बिरयानी डाल रही हूँ। जिसके लिए ये मैंने पूरा एक होल चिकन लिया है, इसके पीसेस कर लिए, इसको वॉश कर लिया, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गार्लिक जिंजर और हरी मिर्च का पेस्ट है। ठीक है, इसको पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून शाहजीरा है, साबुत शाहजीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट है, और 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें डाली हैं तो मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और 3 पत्ते जो हैं ये बेलीफ के पत्ते हैं, और 2 सिनेमन के पीस, और 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। अब मैं इसको थोड़ी देर ना मैरिनेट करके रखूँगी, फिर मैं इसका बनाती हूँ ऑनियन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट। अब मैं अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके तो साइड पर रख दूंगी। ठीक है, तो साथ में मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं मैरिनेट कर लेती हूँ, और साथ में मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने लिए हैं 2 अनियन, क्योंकि आप ब्राउन करके भी डाल सकते हो, और मैं थोड़ा इनको ब्राउन फ्रेश करके तो डालूँगी। ठीक है, ये मैंने 2 अनियन ले लिए, ये डाल दिया ऑयल, और ये मैं डाल रही हूँ अनियन, अब इनको थोड़ा सा ब्राउन करके तो साथ मैं रखूंगी राइस का पानी। पहले मैं इनको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। राइस का पानी रख दिया है ये वाला, और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर साबुत मसाले डालूंगी। जो राइस का पानी रखा है उसके अंदर मैं चीजें डाल रही हूँ, ये है पुदीने के पत्ते और 4-5 हरी मिर्चे, ये मैंने पानी में डाल दी जो राइस बॉईल करना है जिसमें मैंने, ये 3 सबज इलायची है, 2 मोटी इलायची हैं, और 1/4 टीस्पून जीरा है, 1 सिनेमन का पीस है, पत्ता छोटा सा, 4 लौंग हैं, और ये सॉल्ट मैं सिर्फ राइस के लिए हसबे जरूर आप भी डाल लें, मैं उतने डाल रही हूँ, 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और 10-12 जो है काली मिर्च है ये डाल दिया, क्योंकि जब जल्दी जल्दी काम करते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है बोलने में। ठीक है, सॉरी, अनियन मेरे जो हैं वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखें इस तरह मैंने कर लिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन, तो स्टोव को मैं बंद कर रही हूँ, मैंने इसको बंद कर दिया। मुझे थोड़ा योगर्ट चाहिए, तो इसलिए मैं इस तरह करके डाल रही हूँ। इस तरह करके मैं सारा चिकन इसमें डाल रही हूँ, और ये पानी मेरा अभी बॉयल हो गया है, इसमें डाल रही हूँ राइस। ये राइस डाल दिए इसमें, राइस को सिर्फ 1 कनी बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, मैं स्टोव को बंद कर दिया है, और इस तरह करके चिकन में सारा डाल के तो तब तक ये मेरे राइस हो जाएंगे, तो फिर मैं राइस डालूंगी इसके ऊपर। मैंने अब चिकन को पकाना नहीं है, बस इसी तरह कच्चा डालना है।
ठीक है। तो राइस हो गए हैं कनी, अब मैं डाल रही हूँ चिकन में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो मैंने योगर्ट बचाया, थोड़ा सा ये डाल रही हूँ ऊपर। ये डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन। ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पुदीना, थोड़ा डाल रही हूँ धनिया। और ये हैं आलू भारे 5-6, ये मैंने भिगोए थे वो डाल दिए। और ये मसाला जो मैंने मिक्स करके रखा था वो। मैं सारे राइस जो हैं इस तरह डाल दूंगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके ऊपर और क्या डाल दी। तो अब ये सारे राइस में डाल रही हूँ, मैंने पानी उतार लिया, अब सारे राइस में डाल दी उसके ऊपर। अब मैंने प्री हीट कर लिया है 500 पे, 20 मिनट मैं इसको रखूँगी 500 पे, फिर 40 मिनट्स में रखूँगी इसको 350 पे, ऑल टुगेदर 1 आवर। अब मैं बाकी का जो ये योगर्ट है वो भी डाल रही हूँ ऊपर। बाकी का ये चीजें जो डाल रही हूँ, ये डाल दिया। और ये मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान जो है ये मैंने दूध में भिगो के रखा है, ये डाल दिया। और ये है फूड कलर, अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। ट्वेंटी मिनट्स ये रहेगा 500 पे और 40 मिनट्स जो है वो रहेगा ये 350 पे। तो ये दम का टाइम पूरा हो गया है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, इसको कर लेते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म होता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात, ये देखें बड़े मज़े की, ये बहुत अच्छी जो है बिरयानी तैयार हो गई है। इतना अच्छा ये चिकन भी बन गया है अंदर। तो अब मैं करूँगी इसको डिश ऑफ, तो फिर आप देखिए। ये देखिए इतनी अच्छी बिरयानी बनी है, ये है हैदराबादी चिकन दम बिरयानी।
तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।